मीठी क्रांति भाग एक। किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक केंद्रीय योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NHBM को मंजूरी दी है, जिससे भारत में मीठी क्रांति लाई जा सके। इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के माध्यम से केंद्रीय योजना के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसमें केंद्र द्वारा 100% धनराशि प्रदान की जा रही है। सरकार ने NHBM को 3 साल 2020-21 से 2022-23 के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन को भी मंजूरी दी है। इस मिशन को आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा भी घोषित किया गया है। NHBM के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं: आय और रोजगार उत्पन्न करने के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, कृषि और गैर कृषि परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करना और कृषि व बागवानी उत्पादन को बढ़ाना। मधुमक्खी पालन विकास केंद्र व उत्कृष्टता केंद्र और रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। मधुमक्खी पालकों और व्यापारियों या शहद प्रसंस्करणकर्ताओं या निर्यातकों के बीच व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना। मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन में उनकी भागीदारी के लिए कृषि उद्यमियों और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देना। मधुमक्खी पालन से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना। NHBM पर विवरण हमारी वेबसाइट www.farmingcosmos.com पर दिया गया है। धन्यवाद।